मुंबईत पोलिसांच्या घरी चोरट्याने चोरीचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली आहे. वसई पूर्वेतील वसंतनगरी सेक्टर 2 या उच्चभ्रू सोसायटीत ही घटना घडली आहे. घटना काल सकाळी 7 वाजताची आहे. वसंतनगरी सेक्टर 2 मधील कैलास सोसायटीमध्ये पहिल्या मजल्यावर बांद्रा लोकल येथील आरपीएफचे पोलीस उपनिरीक्षक श्याम श्रीवास्तव यांनी नुकतेच नवीन रूम घेतली आहे. त्यांचं नूतनीकरणाचं कामही सुरू आहे. काल सकाळी 7 वाजता त्यांच्या सोसायटीत एका चोरट्याने प्रवेश केला आणि त्यांच्या रूमची कडी वाकून लॉक तोडण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र चोराचे प्रयत्न विफल झाले. कुणीतरी आल्याचा भास झाल्याने चोरट्याने सोसायटीमधून काढता पाय घेतला. मात्र त्याचा या चोरीचा प्रयत्न सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाला आहे. श्रीवास्तव यांनी वसईच्या माणिकपूर पोलीस ठाण्यात चोराविरुद्ध तक्रार नोंद केली आहे. वसई विरार क्षेत्रात दिवसेंदिवस चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. चोरटे एवढे बिनधास्त झाले आहेत की सकाळीही चोरीच्या घटनांना आता अंजाम देऊ लागले आहेत. त्यामुळे पोलिसांच्या एकूण कार्यक्षमतेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहेत. महावाईसाठी एचएस दसोनी वसई. मेरा नाम श्याम श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पास में मीरू में रहता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना एक नया लिया है अभी 102 नंबर पे फ्लैट. और जैसा आपको मालूम है यहाँ आसपास में बहुत ज़्यादा चोरियाँ बढ़ गई हैं और ऐसे लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है. ऐसे ही एक आदमी हमें संदिग्ध रूप का यहाँ देखा गया है कल, जिसके विषय में मैंने यहाँ के थाना प्रभारी जो मानिकपुर के हैं उनको भी सूचित कर दिया है. उन्होंने भी अपनी तरफ से टीम को बताया, सचेत करा है. उनके टीम के लोग आए भी थे यहाँ पर और इस चीज़ में हम लोग को चाहिए कि आप ज़्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों का घूमना हम सब के लिए, हमारे जो आसपास के पारिवारिक लोग रहते हैं उन सब के लिए भी, हम चले जाते हैं बाहर तब इन लोगों को यहाँ पर रोक पाना या उनका घेराबंदी करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम यहाँ रेगुलर पेट्रोलिंग लगाएंगे या आसपास का क्षेत्र कवर अप रखेंगे तो वो हमारे लिए सेफ, यहाँ पर सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा. पहली बार सर मैं आपको क्या कहना हूँ. हाँ देखिए, इस समय क्या होता है, कई मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चोरों का ऐसा ग्रुप या ऐसा कोई समूह है ज़रूर जो कि इस समय ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है और जिसके देखे जाने या पकड़े जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है, अन्यथा वो किसी भी तरह की कोई भी चोरियाँ आपको अंजाम दे सकते. कल जो चोरी हुई कितनी बजे और कभी हुई होगी. हाँ कल भी कुछ ऐसा संदिग्ध आदमी देखा गया था, चोरी तो नहीं हुई हालांकि, लेकिन एक संदिग्ध आदमी हमारे यहाँ देखा गया है जिसके विषय में हमने यहाँ पर अपना थाना प्रभारी जो है कामले साहब उनको बताया है मानिकपुर में जो पुलिस स्टेशन पे है और उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए अपने एक टीम को लगाए भी है बता रहे हैं. तो उसी में खोजबीन जारी है और ऐसे सभी संदिग्धों के बारे में कह रहे थे हम देखेंगे और अगर ये पकड़े जाए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा हमारे. सर आपका पूरा नाम, आप क्या करते हैं. मैं श्याम श्रीवास्तव और यहाँ अभी मैं आरपीएफ में हूँ, बांद्रा लोकल मेरी पोस्टिंग है, सब इंस्पेक्टर हूँ और वर्तमान व्यवस्था.